बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब। वैसे तो गायत्री के हर फैसले पर मोहर लगाने की आदत सी पड़ गई है अब। लेकिन इस फैसले में मेरी भी पूरी इच्छा शामिल है भाई साहब। मैंने और गायत्री ने तो मन बना लिया है कि हमारे घर की अगर कोई बहू बने तो वो मुस्कान ही बने। आकाश और मुस्कान का रिश्ता हो जाए, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी एक बार शालिनी से बात कर लेता हूँ, मैं बुलाता हूँ उसे। अरे सुनती हो गोंडका साहब क्या कह रहे हैं? वो चाहते हैं कि अपने बेटे की शादी हमारी मुस्कान के साथ हो जाए, क्या कहती हो? इनसे क्या पूछ रहे हैं आप भाई साहब, सारा ग्राउंड वर्क तो इन्हीं दोनों माओं का किया हुआ है। अच्छा, सोच विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सच भाई साहब, कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद ऐसे हम मिलेंगे और हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। सच ही कहा था गुरुजी ने कि आने वाले 7 दिन मुस्कान की जिंदगी के निर्णायक दिन होंगे, उसकी जिंदगी बदल देंगे। जिंदगी बदल क्या गई, मैं तो कहती हूँ जिंदगी संवर गई उसकी। लेकिन एक बार बच्चों से बात कर ले, आखिर फैसला तो उनकी जिंदगी का है। बिल्कुल। तू डांस बहुत अच्छा कर रही थी। हाँ, म्यूजिक भी अच्छा था। हाँ, और तेरा वो पार्टनर भी, पता है मामा, मुझे तो लगता है उसे ये एक ही काम करना आता है, लोगों की शादियों में जा जाकर डांस करता रहता है। मैं इन दिनों तकदीर में इतना मानने लग गई हूँ जितना पहले कभी नहीं मानती थी। क्या हो मामा? अरे एक बात हो तो बताऊँ, गायत्री को ही ले लो, बचपन की सहेली है मेरी, और आज मिल गई यहाँ संगीत में। मैं उसके बेटे को पता है कब मिली थी? जब वो इतना सा था। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? पुराने लोग मिल जाते हैं, उनमें नए रिश्ते बन जाते हैं, ये बात है हैरानी की। क्या मतलब मामी? अपनी गायत्री का लड़का आकाश हर तरह से अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, एजुकेटेड है, और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं। हाँ देखो ना, कभी ध्यान में ही नहीं आया, और अब आया तो बिल्कुल सही वक्त पर। हमने तो उसे लेकर बात भी डाल दी है और बोलू भी तैयार है शादी के लिए। एक मिनट मामा, किसकी शादी? कैसी शादी? तेरी शादी और किसकी, सब किस्मत की बातें हैं। गुरु जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये सप्ताह बड़ा निर्णायक है, और लगता है बेटा वैसा ही हो रहा है। मामा क्या बातें कर रही हैं? आपने मेरी शादी तय कर दी, और वो भी मुझसे बिना पूछे। बेटी, माना कि हमसे जल्दबाजी हुई है, लेकिन अगर अच्छा रिश्ता आए देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन पापा। बेटी मेरी बात तो सुनो, अभी तो बात चल रही है, कोई रिश्ता तो नहीं तय हो गया। इससे पहले आकाश को तुमसे मिलवाया जाएगा, जो भी तुम्हारी राय होगी वही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो शालिनी, चलो। तेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मुस्कान, आप देर मत करना, चलो चलो जाके सब कुछ बता देते हैं। क्या तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं बताने वाली थी पापा, पर एक बार मैं खुद तसल्ली कर लेना चाहती थी, ताकि जब मैं आपको ये बात बताऊं मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो। पर मामा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कोई कंफ्यूजन है। आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसको बहुत चाहती हूँ, आप एक बार मिलके तो देखिए। पापा मैं जानती हूँ जो आपने डिसीजन लिया बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी खुशी आर्यन के साथ है। ठीक है, बुला लो उसे, हम उससे मिल लेते हैं। क्या तुम्हारे पापा मान गए? अरे कितनी मिन्नतें सिफारिशें की तुम्हारे लिए, झूठी तारीफों के पुल बांधने पड़े। झूठी तारीफें? तुम्हारा मतलब मेरे में वो क्वालिटीज दी है कि तुम्हें झूठी तारीफें करनी पड़े? बस एक ही क्वालिटी है तुम में। क्या? कि तुम मुझे जी जान से चाहते हो। अच्छा सुनो, कल ठीक 11 बजे पहुंच जाना, अगर तुम लेट हुए ना तो शादी कैंसिल। देखो मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, टाइम से नहीं पहुंचे ना तो मैं फौरन किसी और से शादी कर लूंगी। अगर मेरे अलावा किसी और ने तुमसे शादी की तो मैं उसे मार डालूंगा, समझी? क्यों, जल गए ना? तो फिर टाइम से पहुंच जाना, वरना पछताओगे। आ जाऊंगा बाबा। कल ठीक 11 बजे पहुंच जाना, ओके? बाय, आई लव यू। आई लव यू आर्यन, एंड आई एम श्योर
तुम पापा मम्मी को जरूर पसंद आओगे। क्या हो रहा है? मामा वो मैं उसके मजाल के वो लेट आए। देख कितने बजे, सिर्फ 11:15। तेरी बेचैनी देखकर लगता है कि हमारी बेटी बहुत प्यार करती है आर्यन से। फिर तो हमने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन? यही कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से होनी चाहिए, तुम्हारी खुशी से होनी चाहिए। अच्छा एक बात बता, जितना तू प्यार करती है आर्यन से, क्या वो भी तेरे लिए इतना ही पागल है? हाँ मामा, वो मुझे बहुत प्यार करता है और उसके प्यार पे मुझे अपने प्यार से कहीं ज्यादा भरोसा है। ओह कितने खराब हो पापा आप भी। अच्छा पापा आप चाय पियेंगे? जरूर पियेंगे, लेकिन आज चाय हम अपने बेटे के साथ पियेंगे। बेटा? पर पापा आपकी तो दो ही बेटियां हैं बस। लेकिन होने वाला दामाद भी तो बेटे की तरह होता है। ससुर और दामाद का रिश्ता दोस्तों की तरह होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आज से दोस्ती करने की प्रैक्टिस शुरू कर लेता हूँ। और जब तक 11 नहीं बजते तुम इधर बैठो। बैठो 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 बैठो। बड़े बेसब्र है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। देखिए फिर आप मेरे पीछे पड़ गए। बस यस बस बस। ओके अब आप लोग मत शुरू हो जाना। सीज फायर सीज फायर। कि मैं बेसब्र हो रही हूँ? अरे बेटी आजकल जिस तरह का ट्रैफिक है उसे कम से कम आधे घंटे का मार्जिन तो दो। शालिनी ये बिल्कुल मेरे पे गई है। क्या हुआ? नहीं लग रहा है, कोई उठा ही नहीं रहा फोन। साढ़े 12 बज गए। लंच कर लेंगे अपने होने वाले दामाद के साथ। On the basis of Jerome theory, we can conclude that human mind always analyzes things according to the previous experiences faced by the individual. बताए बगैर आर्यन कहाँ जा सकता है? मोंटी का भी कुछ पता नहीं, पूछूं तो किससे, क्या करूं? आर्यन नहीं दिख रहा है 2 दिन से। अरे तुम लोगों को नहीं मालूम है? नहीं। अरे आर्यन तो लंदन गया। लकी मैन। हाँ किस्मत का तो धनी है, लेकिन एक बात बताऊं? हाँ। वो वहां से शादी करके ही आएगा। पता नहीं आएगा भी या किसी गोरी को पटा के वही सेटल हो जाएगा, लेकिन इस तरह अचानक। अरे 2-4 दिन पहले ही तो उसकी फैमिली गई थी लड़की देखने, और मुझे तो लगता है उन्हें लड़की पसंद भी आ गई है। आर्यन ने मुझे बुलाया ना अपने एंगेजमेंट के लिए। सॉरी, अनु, अनु, आर्यन लंदन चला गया है। ये सब क्या बोल रहे हैं? ये सब कह रहे हैं आर्यन लंदन चला गया शादी करने। अनु तुम तो उसके फ्रेंड हो ना, तुमको तो पता है ना, क्या ये सच है? बोलो अनु, क्या ये सच है? हाँ
हाँ मुस्कान, ये सच है। का जवाब यह है कि मेरे पापा पिछले कई दिनों से यहां सीरियस कंडीशन में पड़े हैं। सारे टेस्ट करवा लिए, जो आपने कही थी वो दवाइयां भी ले आए, फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और आप कहते हैं कि रिलैक्स करो, एक्साइटेड मत हो। आर्यन, आर्यन जस्ट काम डाउन प्लीज। अरे चाचू आप ही कहिए ना इनसे कुछ, पता नहीं हमें क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तुम भाभी के पास बैठो, मैं बात करता हूं। डॉक्टर, पिछले 5 दिनों से भाई साहब आईसीयू में, उनकी कंडीशन इंप्रूव होने के क्या चांसेस हैं? लोग, ये बहुत सीरियस कॉरोनरी कंडीशन है और अगले कुछ दिन बहुत ही क्रिटिकल। वी कैन जस्ट वेट एंड सी। इट्स अ 50-50 सिचुएशन। एक्सक्यूज अस। आर्यन बेटा, तुझे क्या लगता है तेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? मम्मा आप ऐसे क्यों सोचती हो? आप प्लीज फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा जल्दी से ठीक हो जाइए। आपको एक गुड न्यूज देने वाला था, पर आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई और मुझे अर्जेंटली लंदन आ जाना पड़ा। मुस्कान को पर्सनली इन्फॉर्म भी नहीं कर सका। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आपको आपकी होने वाली बहू से मिलाता हूं। आपके बगैर तो हमारी खुशियां अधूरी हैं पापा। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए, प्लीज। हाँ गायत्री, हाँ ठीक है, तो मैं इनसे बात करके फोन करती हूँ। हाँ बाय। गायत्री का फोन था, कह रही थी जब से मुस्कान से शादी की बात चली है, आकाश के लिए सब बहुत अच्छा हो रहा है। उसे USA में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? यही कि नौकरी ज्वाइन करने के लिए आकाश को 10 दिनों के अंदर ही अमेरिका जाना पड़ेगा, और अगर एक बार वो अमेरिका चला गया तो 2 साल के बाद ही वापस आएगा। तो गायत्री चाहती है कि हम शादी इन्हीं 6-7 दिनों में करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए ना भाभी जी, पहले सिर्फ विधि की शादी हो रही थी और फिर अचानक शिप्रा का भी रिश्ता तय हो गया, और अब संजोग देखिए कि हमारी मुस्कान के लिए इतना अच्छा लड़का सामने से चलकर आ गया। मेरे ख्याल से तो तीनों बहनों की शादी एक ही मंडप में कर दी जाए। हाँ, पर इतनी जल्दी? अरे जहाँ 2 बेटियों की शादी की तैयारियां हो रही है, वहाँ तीसरे की भी हो जाएगी। मुझे कोई एतराज नहीं है, शाली तुम एक बार उसे पूछ लो। जी। मुस्कान, तुम क्या कहती हो बेटा? जैसा आप ठीक समझे। इस उदासी से धीरे धीरे बाहर निकलो। देख बेटा, हम तुझे खुश देखना चाहते हैं, उदास नहीं। बच्चों की आंखों में आंसू देखकर माँ बाप का कलेजा कट जाता है, और हम तो तेरी खुशी के साथ ही थे बेटा, पर वो लड़का ऐसा। उस लड़के का क्या जिक्र करना, बचपना था, नादानी हो गई। इसका मतलब ये भी तो नहीं हुआ कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। तुम्हारा भला बुरा तो हम ही को सोचना है। बेटा, आकाश बहुत अच्छा लड़का है और उसकी फैमिली को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं बेटा। वो लोग तेरा बहुत ख्याल रखेंगे, और गायत्री तो अभी से तुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। ये रिश्ता बहुत अच्छा है बेटा। बोल, तू क्या कहना चाहती है? ये क्या कह रही हो दीदी? तुम राजी भी हो गई, लेकिन क्यों? क्यों? तूने उनके चेहरे नहीं देखे जब मैंने उन्हें हाँ कहा
तो उनकी आंखों में कितनी चमक थी। पूरी जिंदगी उन्होंने काट दी हमें खुश करने के लिए। हमने जो चाहा हमें दिया, किस लिए? हमारी खुशी के लिए ना। तो फिर हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था, मैं कैसे मना कर दी थी? मैं उन्हें नहीं मना कर सकती, मैं उन्हें नहीं मना कर सकती। नहीं, मैं ये सोच रहा था, हमने जो कुछ भी किया है, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? शालिनी, मुस्कान खुश नहीं है। हाँ, वो राजी जरूर हो गई है हमें देखकर, हमारी खुशी के लिए। वो अपनी तकलीफों को हमसे छुपा रही है। ऐसे रिश्ते कितने दिन चलते हैं? अब आप इस तरह क्यों सोचने लगे? मुस्कान की तकलीफ मैं भी समझती हूँ, लेकिन ये तो आप ही मानेंगे ना कि एक अच्छा पति उसके सारे दुख दर्द भुला देगा। प्यार का मरहम हर जख्म भर देता है। मुझे यकीन है जी कि धीरे धीरे वो आर्यन को जरूर भुला देगी। जब भी तुम्हारा सोचा था कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाऊंगा तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा, पर लगता है जो हुआ है वो परछाई की तरह साथ साथ चल रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? हमें बचा लो मां। मैं जानता हूं मां कि मुझसे गलती हुई है, और उस गलती में मैंने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया। माँ, बिना पूरी जानकारी के हमने प्रेत संसार से नाता जोड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी। माँ, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। माँ, तू ही हमारी रक्षा करना। माँ, तू ही हमारी रक्षा करना।